वेलकम टू मास्टर हाइड्रोपोनिक चैनल। आज हम देखेंगे कि पौधे की जो ज़रूरतें होती है वो होती है 12 न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, सल्फर, और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि बोरॉन, मैग्नीज। इस सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट हम सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी इसके द्वारा देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ए सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र चाहिए और बी सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र चाहिए। तो ए सॉल्यूशन बनाने के लिए हम तीन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन फर्टिलाइज़र है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो है इसके अंदर हमें 15.5% नाइट्रोजन और 19% कैल्शियम अवेलेबल होता है। ये है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में 13% होता है नाइट्रोजन और 45% होता है पोटेश। इसके अलावा ये जो है ये है FeEDTA जो है इसमें है माइक्रोन्यूट्रिएंट Fe यानी फेरस। और उसके अलावा जो EDTA है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, मतलब वो चिलेटिंग एजेंट है जो कि फेरस को स्लोली अवेलेबल कराता है। अब ये जो तीन फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल करके हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ए बनाते हैं। अब हम बनाएंगे बी सॉल्यूशन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो फर्टिलाइज़र की लिस्ट। अभी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट उसके बाद हम यूज़ करते हैं मोनोपोटेशियम फॉस्फेट। मोनोपोटेशियम फॉस्फेट के बाद ये है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में 50% पोटैश होता है, इसके अलावा सल्फर भी होता है। और ये तीन फर्टिलाइज़र के अलावा 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बी में डालते हैं। बी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जाते हैं वो है सोल्यूबोर, ये बोरॉन का सोर्स है। फिर इसके अलावा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और मैग्नीज सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है। और ये है मॉलिब्डेनम। तो ये 5 फर्टिलाइज़र जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये 3 फर्टिलाइज़र, ये हम टोटल 8 फर्टिलाइज़र डाल के बी बनाते हैं। और ए सॉल्यूशन में हम ये 3 फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और ये सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करके पौधे की जो 12 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है हम ये ए और बी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से पूरी करते हैं। तो ट्रक आगे ले जाऊँगा।